स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी या रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही बात है, इसकी एप्लीकेशन काफी है, आपको न्यूमेरिकल में दिखेगी रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज वेट ऑफ बॉडी इन एयर, जो एक्चुअल वेट है वो डब्ल्यू वन है, डिवाइडेड बाई लॉस इन वेट जब उसको वाटर में डाला जा रहा है। लॉस इन वेट कितना है? डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू। तो एक तो फॉर्मूला बुकलेट में ये फॉर्मूला नोट कर लो कि रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू। ठीक है यहां तक? अब मैंने आपको यह भी सिखाया कि डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू क्या होता है, लॉस इन वेट। लॉस इन वेट का मतलब क्या होता है? लॉस इन वेट का मतलब है अपथ्रस्ट। एक ही बात है, लॉस इन वेट ही अपथ्रस्ट होता है। तो सेकंड डेफिनेशन क्या बनती है? डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाई क्या? अपथ्रस्ट। एक ही बात है, आप ये भी लिख सकते हैं, हालांकि यूज नहीं होती, पहले वाली ज्यादा यूज होती है। ठीक है यहां तक? आप ये भी कर सकते हैं कि जो वेट ऑफ द बॉडी, एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। क्योंकि डब्ल्यू वन का मतलब क्या है? वेट ऑफ बॉडी। तो बॉडी का वेट अगर निकालना है तो डेंसिटी किसकी यूज करनी है? बॉडी की, डिवाइडेड बाई अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का मतलब होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब क्योंकि जब पूरी की पूरी बॉडी ही लिक्विड में चली गई तो लिक्विड का वॉल्यूम और बॉडी का वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो इसमें अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यू का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बॉडी का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम सेम है क्योंकि अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। तो इसमें डेंसिटी किसकी यूज करेंगे? वाटर की। वाटर की अपथ्रस्ट कभी भी कैलकुलेट होगा वो हमेशा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होगा, और इसमें हमेशा डेंसिटी किसकी यूज करेंगे? लिक्विड की इंटू जी। क्लियर है यहां तक? तो जी से जी कैंसिल, वी से वी कैंसिल। तो रिलेटिव डेंसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये नोट करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है यहां तक? सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, फॉर्मूला याद हो गया। इसको यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल्स में? जैसे न्यूमेरिकल में गिवन होगा डेंसिटी ऑफ बॉडी देने की बजाय वो आपको रिलेटिव डेंसिटी देगा। वो कहेगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी 4 है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी निकालो। भाई रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी की डेंसिटी से डिवाइड करो, पानी की ही डेंसिटी से डिवाइड करना होता है हमेशा। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या हो जाएगी? 4 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। एसआई सिस्टम में डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1000। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी आ गई एसआई में। लेकिन अगर कोई सीजीएस में पुट करता है 1, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या आ जाएगी? 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से डेंसिटी ऑफ बॉडीज कैन बी कैलकुलेटेड, अगर आपको क्या गिवन हो? रिलेटिव डेंसिटी गिवन हो।